आज मैं एक बहुत ही हेल्दी पैनकेक बनाने वाली हूँ, वो भी हम बिना अंडे की बना रहे हैं। हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैं चिया सीड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। बेसिकली चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। और चिया सीड्स हम ऐसे तो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है चिया सीड्स को आपके डाइट में अकोमोडेट करने का। तो मैंने यहाँ पे ये हाफ कप मैदा लिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप चाहो तो ये वाली पैनकेक आटे से भी बना सकते हो, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैदे और आटे के टेक्सचर में थोड़ा फ़र्क आपको ज़रूर आएगा। अब मैं ये मैदे के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अब ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जस्ट चुटकी जितना ही सॉल्ट हम ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स। बेसिकली चिया सीड्स दो काम करेगा, एक तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत हेल्दी है और ये बहुत अच्छा तरीका है आपके डाइट में अकोमोडेट करने का, और दूसरा हम ये पैनकेक बिना अंडे की बना रहे हैं तो चिया सीड्स केक रिप्लेसर का भी काम करेगा, क्योंकि मॉइस्चर पकड़ने के बाद चिया सीड्स फूल भी जाते हैं और थोड़े से स्टिकी टेक्स्चर के भी हो जाते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टेबलस्पून मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप चाहो तो इसकी जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको 1 टेबलस्पून ही लेना है। तो ये गई शक्कर, और मैं आज की जो पैनकेक है वो क्लासिक फ्लेवर की बना रही हूँ, जो कि है सिनेमन फ्लेवर। उसकी जगह पे आपको सिनेमन पसंद नहीं है, आप चॉकलेट वाली पैनकेक भी बना सकते हो, ये प्लेन वनीला पैनकेक भी बना सकते हो। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर बनानी है तो आपको 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करना है, पर सिनेमन पाउडर मैं वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो मैं 1/2 टीस्पून ही सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। सिनेमन बनाना ये सब बहुत अच्छा क्लासिक कॉम्बिनेशन है, और उसी के साथ मैं ये 1 चुटकी जितना जायफल पाउडर, नटमेग पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी का पाउडर है ये, आपको पाउडर की हुई दालचीनी वैसे ही बाज़ार में मिल जाती है। और अब सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस है, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून से भी कम विनेगर है। बेसिकली विनेगर और बेकिंग पाउडर जब मिक्स होता है तो वो रिएक्ट करता है और आपकी जो पैनकेक है वो फ्लफ़ी बनती है, तो ये 1/2 टीस्पून से भी आधा मैंने विनेगर डाला है। और अब बारी आती है इसमें दूध ऐड करने की। अब आप चाहो तो नॉर्मल वाला जो घर पे दूध आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं इसमें आलमंड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप सोया मिल्क भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो इसमें, और ये 1/2 कप है, तो ये पूरा 1/2 कप मैं दूध इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब बैटर को मिक्स कर लेते हैं। अब ये वाला जो बैटर है वो अगर आप बिना चिया सीड्स के बना रहे हो तो ये बिल्कुल रेडी है पैनकेक बनाने के लिए, पर सिंस हम चिया सीड्स के साथ बना रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ये बैटर को छोड़ देना पड़ेगा। जब तक कि ये बैटर रेस्ट करता है 5 मिनट के लिए, तब तक कि मैं पैनकेक के ऊपर ड्रिजल करने के लिए एक सॉस बनाती हूँ। आप नॉर्मल चॉकलेट सॉस भी ड्रिजल कर सकते हो, कैरेमल भी कर सकते हो, पर मैं एक अलग से वो ड्रिजल करने के लिए सॉस बना रही हूँ। तो पैनकेक का सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना पानी ऐड करती हूँ ताकि शक्कर नीचे चिपक ना जाए, और 1 टेबलस्पून में ब्राउन शुगर ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही टाइम पे मैं ये 1/2 टीस्पून जितना बटर भी ऐड कर दूंगी, अच्छा इससे शाइन आएगा। अब ये शक्कर जैसे ही पिघल जाएगी वैसे ही मैं इसमें 1/4 कप ये मैं कोकोनट क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल कुकिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं,
कोकोनट क्रीम बनाना बहुत आसान है। पाउडर कोकोनट का मिल जाता है रेडी, जिसके अंदर सिर्फ पानी डाल के आपको कोकोनट मिल्क बनाना होता है। तो जितनी क्वांटिटी अगर आपको चाहिए और बॉक्स में लिखी गई है, उससे आधी क्वांटिटी का आप पानी उसमें ऐड करेंगे तो आपको थिक कोकोनट मिल्क मिलेगा। मैंने वो ऐड किया हुआ है। आप नॉर्मल जो अमूल का कुकिंग क्रीम मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने पानी डाल के थिक वाला 1/4 कप लिया था। और अब ये सॉस में भी मैं 1/2 टीस्पून जितना सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे सिनेमन की फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ऐड किया है। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ वेनिला के साथ भी ये सॉस बना सकते हैं। ये सॉस को आपको कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाना है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं और सॉस एकदम थिक हो जाता है। और यही टाइम पे मैं एक चुटकी नमक भी ऐड कर दूंगी। अब ये सॉस तो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए 1/2 क्वांटिटी हो गई है और अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया है। अभी गर्म है पर जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। और आपको वैसे भी पता चलेगा कि ये गाढ़ा हो गया है क्योंकि 1/2 क्वांटिटी हो जाएगा और आपकी स्पून की पिछले हिस्से को ये पूरी तरह से कोट कर ले। दैट मीन्स ऐसे करने के बाद वो पूरा कोटिंग उतर ना जाए, दैट मीन्स कि ये सॉस रेडी है। तो अब ये सॉस में लास्ट में गैस बंद करने के बाद मैं ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देती हूँ। ये आपको गैस बंद करके फिर ऐड करना है, वरना वनीला एसेंस की खुशबू ही चली जाएगी। तो ये तो तैयार है, अब बनाते हैं पैनकेक। ये देखिए पैनकेक का बैटर बिल्कुल रेडी है। चिया सीड्स भी अच्छे से फूल चुके हैं और बैटर को काफ़ी थिक भी बना दिया है। तो अब हम पैनकेक बनाने की शुरुआत करते हैं। पैनकेक जो होती है वो कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाते हैं, वरना वो ऊपर से और नीचे से तो पक जाएगी पर वो सेंटर से बहुत कच्ची रहेगी। तो हमेशा स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पैनकेक को पकाना है। मैं अब ये पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करती हूँ। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल में भी ये बना सकते हो। और मैं ये बैटर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। पैनकेक को हर तरफ मतलब एक साइड पे पकने के लिए 5 to 7 मिनट्स लगेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर पलट के हम वापस से 5 to 7 मिनट्स पकाएंगे। ये आप देखेंगे कि अभी पैनकेक अच्छी खासी फूल गई है। ये जैसे अंडे वाली पैनकेक डालते ही पैन में ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं ना, वैसा नहीं होगा क्योंकि चिया सीड से वो थोड़ी हैवी भी हो जाती है, पर वो एकदम साइज में डबल हो जाएगी और ऐसे हल्के हल्के 2-4 बबल्स ऊपर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि वो एक साइड से रेडी है, अभी हम पलटा देंगे। एक अच्छी पैनकेक बनाने के लिए एक अच्छा नॉनस्टिक पैन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल रोटी के तवे पे ये पैनकेक बनाएंगे तो ये पक्का चिपक ही जाएगी। और एक नॉनस्टिक पैन किचन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं। तो ये पैनकेक चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, ये पैनकेक बिल्कुल तैयार है। ये पैनकेक जब भी मैं बनाती हूँ ना तो 2 मिनट के लिए ऐसे वायर रैक पे छोड़ देती हूँ। ये इसलिए मैं वायर रैक पे छोड़ती हूँ ताकि वो मॉइस्चर से प्लेट में सॉफ्ट ना हो जाए। और अब मैं और भी पैनकेक बनाती हूँ। पैनकेक तो रेडी है, मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। पैनकेक हमेशा ऐसे एक के ऊपर एक रखो ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और अब मैं ऊपर थोड़े से कट बनानास रख देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप बनाना पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पैनकेक एंजॉय कर सकते हैं। और अब ये जो हमने सॉस बनाया था मैं वो भी थोड़ा सा ड्रिजल कर देती हूँ। और ये टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास थोड़ा सा मेपल सिरप पड़ा है तो मैं वो भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। और ऊपर से मैं रख देती हूँ एक पुदीने का पत्ता। तो तैयार है मेरी हेल्दी चिया सीड्स पैनकेक, सुपर हेल्दी। मैं बनाना के साथ खाऊंगी और थोड़ा सा सॉस।